अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी तो भाई साहब आजकल जो है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हामिद भाई के पेपर चल रहे हैं, तो मैं जो है ना दुकान पे आता हूँ मामू के साथ। तो आज जो है ना मामू ठोकर थे, वो भी नहीं आए, तो मैं जो है ना राइड करवा के घर से आया भी हूँ। मामू है तो राइड करवा के घर से भी आया हूँ मैं। अभी जो है ना शटर वगैरह खोले हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया अभी, बर्फ़ और सालन वगैरह ये हम घर से ले आते हैं कि इधर कूलर में पानी होता है, तो फिर ये ना बर्फ़ वगैरह हम घर से ले आते हैं, तो ला कर डाल लेते हैं, क्योंकि इधर नज़दीक जो है ना कहीं है नहीं, तो फिर दूर से लानी पड़ती है, तो वो एक अलग ही एक्सरसाइज वगैरह थी। और ये जो है ना सालन वगैरह भी घर का ही होता है, क्योंकि जो इधर अंकल हैं तो वो भी सारी बात है, वो दूर से आए हुए हैं, उनका पता नहीं किधर का आ रहा है, तो फिर उनको भी घर का सालन अच्छा लगता है, उसके हम घर से ले आते हैं। रोटियाँ जो है वो क्योंकि पैक टाइम जब दूर वगैरह से पकड़ लेते हैं, और फिर जो है ना दोपहर का खाना खा लेते हैं। तो बाकी अभी इसको जल्दी जल्दी चलते हैं, कूलर में डालते हैं। और आज जो है ना आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे भाई सारा दिन जो है ना जहाँ पे क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है ना इधर अभी ये देख लें, ये दुकान आपको बताइए, अभी ये जो है ना इधर सफाई करने का, पहले तो आपको भाई के काम है, सबसे पहले आते साथ ये करता है, सिर्फ बस यही करता है। अभी जो है ना हम आते हैं जल्दी जल्दी झाड़ू पकड़ के ला के सफाई करते हैं, और फिर जो है ना मतलब बैठ जाता है। बाकी ये जो है ना मैंने आम ग्लास वगैरह भी पहने हुए हैं, कैप शैप पहने, क्योंकि मैं बाइक पे आया हूँ, यार बताया राइड करा के आया हूँ, मामू का आ रही थी गाड़ी, तो फिर इस वजह से जो है ना ये सारा कुछ करना हुआ। अभी इसको भी उतारते हैं ठीक है, और फिर जो है ना पकड़ते हैं झाड़ू और अपने काम पे चलते हैं। तो चलें पहले इसको उतार लें, फिर जो है ना चलते हैं बाइक जाके सफाई वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह करके फिर जो है ना आके हमें इधर बैठ जाना है स्कूल से, फिर बाकी काम फ्याल भाई करते हैं। ये जो है ना आप लोग देखें, ये सारा सामान जो है ना ये अंदर किया हुआ है हमने, अभी ये सारे का सारा फ्याज भाई ने बाहर निकालना है। तो वो फ्याज भाई का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने दुकान का सेल्समैन है ना, उनका भी नाम फ्याज है और मेरे मामू का भी नाम फ्याज है, दोनों फ्याज हैं, तो इसलिए मैं उनको मामू कहता हूँ, इनको फ्याज भाई कहता हूँ। तो ये जो है ना सारा सामान अभी उन्होंने बाहर निकालना है। बाकी ये हमारी स्कूटर भी इधर ही खड़ी हुई है एक, क्योंकि बाइक तो इधर है नहीं, तो बाइक वाली बाइक तो बाहर होती है, तो फिर जो है ना इसलिए बाइक रखी हुई है इधर, कोई अगर कोई काम कर रहा हो तो फिर इस पर चले जाते हैं। तो ऐसा मैं जो है ना अभी आप लोगों को ये इधर का बता ही रहा था कि हम बाइक क्यों लेके आते हैं, मतलब तो बहुत देर में एक अंकल आ गए, उनको कोई चीज़ें वगैरह चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी, उनको जो भी चीज़ें वगैरह दे के उनको भेजा। तो अभी आप लोगों को मैं बाइक का ये बता रहा था कि हम मामू गाड़ी पर आते हैं ना, तो फिर इस वजह से एक बाइक इधर रखी हुई था कि जो है ना थोड़ी बहुत जो पेमेंट वगैरह लेने जाना होता मैंने, या फिर खाना वगैरह लेने जाना होता, तो फिर जो है ना वो गाड़ी पे मामू ने तो जाना नहीं होता, या मैंने जाना होता या फयाज भाई ने जाना होता है, तो फिर इसलिए बाइक रखी हुई है इधर। इसको हम जाते हुए से अंदर कर देते हैं, तो और फिर सुबह टाइम बाइक निकाल लेते हैं, सारा दिन यूज़ करने के बाद रात को फिर खड़ी कर देते हैं। तो वो अभी जो है ना जल्दी जल्दी करते हैं, सामान निकालते हैं, फयाज भाई ने इधर की जो है ना सफाई करती है थोड़ी बहुत, ठीक है कर रहे हैं अभी, बाकी ये नीचे वाली हम करते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना ये सारा सामान निकालते हैं बाहर, और फिर ये निकाल फूल के ना फिर आप लोगों को लेते हैं। तो इधर वाली शॉप खाली हो चुकी है, आप जो है ना उस वाली शॉप को खाली करना, इधर जो है ना ज़्यादा सामान तो नहीं होता है, जैसे बस ये तीन टैंक है और ये कोई दो तीन बॉक्स है, बस ये निकाल लेते हैं इधर से, जैसे ये जल्दी जल्दी निकालते हैं जो है ना। अभी पंखा भी चलाते हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी फिलहाल पंखा इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि जो है ना मिट्टी उड़ेगी, और मिट्टी उड़ के जाना ऊपर पड़ेगी तो वो काम ख़राब होगा, फिर इधर ये बस बाहर निकाल लें, उसके बाद फिर सफाई करनी है हमने जो है ना, अभी ये रखने हैं ज़्यादा जो है ना ये वो डिपको टू पीस करते हैं नल वायु में, उनकी जगह इधर तो पहले ही बराबर है पूरा। ए चलो खैर इसकी भी कई जगह बनाते हैं, फिर इसको भी एडजस्ट करते हैं, सामान वगैरह बाहर निकाल दिया दोनों शॉप का, देख सकते हैं आप लोग। अभी जो है ना मैं वो भी दिखाता हूँ कर रखा कैसे है बाहर, वो बाकी तरह से काम करने से अच्छा करो, पसीना कितना आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो ये देखिए आप लोग इधर से बाहर निकाल के, ये जो है ना मतलब ये बस इसको आप लोग इग्नोर करना, ये ना हमने ये पढ़ा हुआ था ऊपर, तो इसको कल लेके आया नीचे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको जो है ना अभी भेजेंगे पेंट वगैरह होने के लिए, और फिर सही जगह करके ना फिर इसको चलाएंगे। वैसे दुकान पे एसी भी आया पड़ा हमारा यार, लेकिन ना दुकान पे हमें समझ नहीं आया, देखो इतनी बड़ी दुकान है, इधर एक एसी लगा ले, इधर एक एसी लगा ले हम लोग, तो बस फिर वो जो है ना
काम समझ नहीं आने क्या बनाऊँ। देखे हमारा इसी तो जो है ना आया पड़ा हुआ है। बाकी हम अभी लोग हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इधर जो है ना ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ना इतना सा ये इधर या फिर पीछे ना कहीं एक कैबिन बना के ना छोटा उधर जो है ना एसी बना लगा लें ताकि जो है ना मामू को तो इसमें बैठा रहे और साथ में जो ये भी जब काम ना हो अंदर बैठ जाया करें। तो बाकी ये देख सकते आप लोग ये सामान हमने इसको बस इग्नोर करना है बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पता है खुद को भी। तो बाकी ये सारा टैंकी वगैरह आ गई है हमारी जाती आ गई अभी हमने इस पर आज सारा दिन इसी को चलाना है। बाकी ये इधर वाली शॉप का सामान आ गया और ये चौक। तो अभी जो है ना मैं सारी सफाई वगैरह करके ना फिर आप लोगों एक दफ़ा विजिट भी करवा दूंगा पूरी। अभी जो है ना फैज भाई ने सारी दोनों दुकानों की नीचे वाली सफाई करनी है। तो फैज भाई तुम दोनों दुकानों की आवाज सफाई कर लो नीचे वाली। तो मैं जो है ना इधर वाले काउंटर सारे साफ कर लेना ठीक हो गया है बन बानगी। तो भाई साहब ये जो है ना हमारा रात को सामान आया था ये देखो दो कार्टन वो पड़े हुए हैं दो ये पड़े हुए हैं और बाकी वो पीछे रखे हुए हैं। तो इनकी जो है ना जगह नहीं बनी हुई सामान बहुत ज़्यादा मंगा लिया था हमने। तो अभी जो है ना इसकी एक की जगह बन गई इसको भी रखते हैं। चल भी यार बिगो कितने रखने ने उधर जगह फुल हो पी है। हाँ देखो ना इतने रखी देने इतने ना फुल हो पी जगह अब अपना फिर मुस्लिम से थोड़े नाल करके इतने रख दिए फिर आ करते हैं यार ये काउंटर साफ करते हैं सारे पहले काउंटर तो साफ करते हैं। तो बाकी ये जो है ना हमने ये देखें ये लगाई थी मतलब ना काउंटर के ऊपर पहले ऐसा था ये पहले ऊपर ये लगी हुई थी पीवीसी की लेकिन ये जो है ना एवं उतर जाती है और ये देखे फिर काउंटर बड़ा गंदा लग रहा है। ऐसे ये वाला भी पड़ा था बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था लेकिन फिर जो है ना ये हमने एक ना स्टील में गोल्डन कलर की बुवा के चारों साइडों पर लगा दी। तो इससे जो है ना एक तो काउंटर की लाइफ बढ़ गई है और दूसरा प्यारा भी लगने लग गया। तो ये हमने बाकी भी मंगवा ली है अब इधर वाले काउंटर पे भी जाना लगवा लेंगे ये दोनों भी जाना पूरे पूरे काउंटर पे लगवा लेंगे फिर तो सारा जाना गोल्डन और रेड देगा बड़ा खूबसूरत। तो अभी करते हैं यार काम करते हैं पहले बहुत बहुत है ना सबसे पहले काम करना है फिर मुझको बाल का साफ करना है। मैंने जाना अपना काम पूरा कर दिया है जितना बहुत ना आ गया लेकिन पंखा चला सी यार ये पंखा बड़ा ना डैश डैश है भाई नहीं देता यार पता नहीं किधर कहते हैं। खैर देख सकते हैं भाई साहब आपके भाई ने जाना पूरा सफाई कर दिया बाकी ये सफाई इतनी सी होनी है क्योंकि ये स्टैंप वगैरह भी इधर ही रहनी है और ये सारा सामान लिया बस ये साफ करना तो ये हो गया। बाकी ये वाला भी पूरा काउंटर साफ हो गया मेरा क्या मेरा नहीं मैं मतलब एक ही बात है मतलब जो मैंने काम करना था मैंने काम करना था ये वाला काउंटर भी पूरा साफ हो गया ये वाला काउंटर भी पूरे का पूरा साफ हो गया ठीक है। ये सिर्फ ऊपर कपड़ा उठा दो इसको यार और बाकी जाना ये रह गई सिर्फ इनके अभी जगह नहीं बनाई जगह बना के तो मैं रख देता हूँ। तो ये करने के बाद जो है ना फ्याज भाई अभी तक काटा नहीं जोड़ी जा रहे हैं यार फ्याज भाई बड़े स्लो है फ्याज भाई यार फ्याज भाई मर्जी था यार तुम बड़े स्लो है यार तुम अजक सफाई नहीं की यार जिस तरह नहीं नहीं गल सुनो नहीं नहीं बिजती ने जिस तरह आप अगे मैं तुम्हें वीडियो दिखाई आप बाहर की सफाई की है वो तो तुम बड़ी तेज की टाइम लैप चला दो फिर उस तरह हो जाएंगे यार अभी कर लेते हैं कल भाई काम ही कर रहे हैं तब से मैं मजाक कर रहा था बस वो काम कर रहे हैं। तो खैर बाकी जो है ना आज का हमारा काम सबसे पहले ये है कि अभी ये फैल भाई की सफाई करने के बाद जो है ना हमने ये जो पड़े हुए ना कमोड ये इधर तक ये तीन ये हैं और पाँच छः सात आठ नौ नौ कमोड है ना ये वाले इनको हमने करना है साफ क्योंकि ये जो है ना पड़े हुए थे गोदाम में स्टॉक रूम में पहले इधर मतलब ऐसे के न्यू थे सारे ये भी वैसे हैं तो न्यू ही हैं लेकिन ये मतलब पीछे पड़े हुए थे पहले ये देखे ये सारे साफ ही इधर पड़े हुए थे। तो ये जो है ना कल 10 के 10 जो है ना वो सेल हो चुके हैं तो हमने अब गोदाम से कर रात को मंगवा लिए थे। तो अभी ये जो है ना ये देखे इधर गोदाम में पड़े हुए इनके ऊपर मट्टी और ये जो टेप मास्टर वालों की लगी होती है ना उसकी जो गम होती है ना वो साथ चिपकी पड़ी है ऐसे ये वैसे टेप इसके ऊपर से रिमूव हो गई है ना वो टेप का पीछे जो अपना छोड़ जाती है ना वो है। अब हम थिनर लेंगे थिनर के साथ इसको जाना ये टेप शेप साफ करेंगे ठीक है जो थोड़ा बहुत मतलब गंदा हुआ पड़ा है। तो फिर जो है ना इसके ऊपर दोबारा टेप वगैरह लगा के ना इसको डन कर देंगे मतलब ये है न्यू ही है इनको कोई मसला नहीं है वैसे लेकिन वो सिर्फ मट्टी है ना तो हमने इनको साफ वगैरह करना है क्योंकि डिस्प्ले पे पड़े तो फिर साफ होने चाहिए ना पीछे स्टॉक रूम में तो जैसे भी होता जाते। तो बाकी ये करेंगे साफ वगैरह फिर सफाई करने के बाद हम उतनी देर जो है ना काउंटर पर बैठते हैं ये एलईडी चला ला है ठीक है हम उतनी देर जो है ना काउंटर पर बैठते हैं और हम इनकी जगह बनाते हैं कहीं ठीक है फिर इतने सफाई कर लेते हैं बाकी फिर उसके बाद जो है ना वो कमोड वगैरह साफ वगैरह करते हैं फिर मामू भी आ जाएंगे और फिर देखते हैं कि आगे का क्या काम है साथ साथ दिखाते हैं आपको। यार ये जो है ना पड़े हुए हैं सारे कुछ तो इसके ऊपर आ जाएंगे वो रखते हैं ना आके ये
भाई साहब मैं रख रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो भाई के लिए कर दो यार, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके पिद्दी यार मैंने ज्वाइन की हुई तो क्या कर रहे हो यार, कर लो ना सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के ठुड्डे मुक्के ठुड्डे जो मर्जी मारो, थुके फेंको जो मर्जी करो, बस इसको जो है ना रेड से ग्रे कर दो, अगर पहले से किया हुआ है तो, अगर नहीं किया हुआ तो कर दो यार, जो है ना स्टैम्प के ऊपर डेट वगैरह भी चेंज करनी है, एक मिनट इसको भी कर लेते हैं, ये 15 है ना 16 कर देते हैं इसको, ये जो है ना हमारा तीसरा कैरेक्टर भी आ चुका है, फयाज भाई जो है ना सफाई वगैरह लगे हुए हैं, और यार ये एलईडी क्यों नहीं हुई अभी तक, इसको ऑन कर लें पहले फिर मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ, हमारा जो आने वाला कैरेक्टर भी आ चुका है, मामू नहीं आया अभी तक, वो थोड़ा लेट आएंगे आज के दिन, ये आ चुके हैं, ऐसे मामू आते थोड़ा लेट ही होते हैं, पहले भाई हम आते पेपर नीचे हो रहे तो वो आ जाते थे पहले, वो आगे खोल लेते हैं दुकान वगैरह, तो फिर जाना मामू बिजी हो जाते हैं 11 बजे तक, सही है। रमजान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चल ठीक ठाक यार, इन्हू बंद कर दे यार, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹ ਕੀ ਵੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਮਛਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮਾਏ ਜਾਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜਾ, ਚਲੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤੱਕ ਮਾਮੂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ रमजान भाई की जय हो, है रमजान भाई, रमजान भाई की जय हो, ये भाई सर ये जो है ना ऊपर ऊपर से जो टेप वगैरह थे ना वो थिनर से रमजान भाई साफ करके आ रहे हैं, और बाकी जो है ना अब ये नीचे ये वाली मट्टी सिर्फ रह गई है, इसको जो है ना उसे गीले कपड़े साफ करने के लिए इधर थिनर लगाने की जरूरत नहीं है, तो अब वो कह रहे हैं कि मैम आ रहे मैं करके लग कर पाई, रमजान भाई वो फयाज भाई नीचे मारते हैं भाई साहब, ये जो है ना अभी मामू आ चुके हैं, और ये जो है ना मामू एक फनूस लेके आए हैं, अब इसको अंदर लेके चलते हैं, इसको खोल के आप लोगों को दिखाता भी हूँ, और ये जो है ना फनूस जब आता है ना मार्केट से तो ये असेंबल नहीं हुआ होता, असेंबल खुद करना होता है, और अभी मैं अंदर इसको असेंबल भी करता हूँ और आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, अभी इसको लेके चलते हैं अंदर सबसे पहले तो, और अंदर जाकर फिर जो है इसको असेंबल करते हैं, जी तो ऐसा मैंने भी जो है इसको खोल दिया सारा, साथ साथ चीज़ों को इग्नोर करना, ये इसका रिंग है सबसे पहले, इसको आपको जो है ना अभी समझ नहीं आएगी, जब पूरा कर लूँगा ना फिर पूरा कर लेगा, सारे पार्सल मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई, ये जाना मैं शॉप पीछे आ चुका हूँ, जाना हमने वो जो हमारा बुलान है ना जो सामान वगैरह लाने के लिए बुलान है ना हमारा, उसकी ये जो पीछे वाली सीट है हमने निकाल के रखी हुई है सामान लाने के लिए, तो अभी जाना मैं इसके ऊपर बैठ के जाना फिर आपके पास, थोड़ा सा जो है ना एनालाइज करने के बाद पता चल गया मुझे, ये जो है ना छोटे वाले जो है ना जिनके ये छोटे वाले पेच है ये इधर छोटे वाले सराख के अंदर लगेंगे, ठीक है, और इसके अलावा ये जो है ना बड़े वाले इसके जाना है कि बड़े वाले जो है और ये लगेंगे तो बड़े वाले सराख, तो ये बस ये पूरा गोल है इसके साइडों पे यही लगने हैं सारे, तो ये लगाते हैं, लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि पूरा कैसे का बना, पूरा मैं खुद बनाऊँगा, ये जो है अभी मैंने इतना सा जोड़ लिया फनूस, अभी जाना जाना है एक जगह पे पेमेंट लेने, उधर चलते हैं आगे पे जाना इसको कंप्लीट करते हैं, ये तो भाई साहब अभी जाना आपके भाई ने ये आम ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, क्या सब ले लिया बहुत ज़्यादा वायर करनी, और अभी जाना ये इधर पहुँच गए हैं वर्कशॉप पे गाड़ियों वाली, इधर से लेने हैं पैसे हमने पेमेंट पकड़नी, इसके बाद जाना हमें जाना है एक नर्सरी में, उधर से पेमेंट पकड़नी है, और उसके बाद फिर जाना आज मैं आप लोगों को ना एक टिकटॉकर से भी मिलाऊंगा, अंकल टिकटॉकर है उनके जो है ना कुछ आई थिंक 2 लाख समथिंग फॉलोअर्स हैं उनके टिकटॉक पे, और आज मैं उनको मिलाऊंगा फिर आपको उनकी आईडी भी बताता हूँ, अभी जाना वापस जाकर मैं अभी फनूस कर रहा है सैंबल, फनूस सैंबल करने के बाद फिर हम चलेंगे, तो ये अभी हम पहुँच गए वर्कशॉप पर कितना फिर चलते हैं आगे, नहीं तो भाई साहब मैचे मुचे ले लिए हैं हमने, अब जो है ना चलते हैं दुकान पे, गर्मी बहुत ज़्यादा बस पूरा बह रहे हैं, बस आज ही मैं मैंने ना एक कैप फुल क्लीन करके पहनी थी और अभी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो चुकी है कैप, और बस यार बताया नहीं जा रहा, खैर अभी चलते हैं दुकान पे, अभी मैंने पैसे वगैरह पकड़ लिए हैं, अब थोड़ी देर तक हम चलेंगे उधर, वो जो टिकटॉक कर रहे हैं कल उनसे आपको जाकर मिलवाऊंगा, और साथ में कैडी शडी बताऊंगा आपको देखना, और फिलहाल अभी अपने जाके जाना फनूस को भी सेट करना है पूरा असेंबल करना है, अभी उसके कोई 3 से 4 महीने वो जो है ना साइडों पर लगाए हैं, अभी 5-6 रहते हैं,
उसके बाद पूरा करते हैं। तो भाई दुकान का एड्रेस है ना, वैसे तो आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना मैप पे निजाम इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी कंसर्न तो वो आ जाता है। और अगर वो आपको मतलब गूगल मैप वगैरह नहीं भी है तो लोकेशन वो डबराड गोल चक्कर से जाती हूँ रोड की तरफ, फिर जो सड़क आती है ना ये नहर का जो पहला ये वाला आता है ना पुल, इसकी लेफ्ट साइड पे ये देखेंगे, इसके साथ ये अंकल बैठे होते हैं वो गन्ने के दस वाले, और ये साथ ही जाना ये शॉप है ये देख सकते हैं ठीक है। और अड्डा प्लॉट टोल चक्कर से जाती हूँ मैं रोड की तरफ आए तो कुछ थोड़ा सा ही है 200 मीटर आगे आके ना लेफ्ट साइड पे आ जाती है ये जो भाई साहब ये जो है ना 4 घंटे हो गए इधर लगे हुए, अभी जाना फिर अभी पकड़ना है उठाना उठाना ऊपर आए आए। तो भाई सब ये जाना हो गया फाइनली रेडी, अभी जाना थोड़ा बहुत सीधा सीधा करने वाले, अभी जाना एक चीज़ इसके अंदर रह गई है वो जो है ना इसके पिस्टल है ना जो है ये देखो मतलब ये जो सुराख है ना छोटे छोटे ये देखो ये वाले ये सब के अंदर जैसे अभी क्रिस्टल हैं वो ना सारे ये इनके क्रिस्टल के साथ ये सारे रिंग हैं। ये जो है ना आपके भाई ने कहा दिया रेडी चेक करें यार फिर कमाल लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्रिस्टल वगैरह भी लगाते हैं इसको पीछे यार आप जी। तो भाई साहब ये मेरा फायदा हो गया, मैं जो है ना ये करने लगा था ये देखिए मैंने इतने के अंदर जो है ये वाले डाल दिए थे रिंग रिंग वाले ना, ये जो एलम बादाम टाइप है ना इनके अंदर डाल दिए थे, अभी ये इसके अंदर छोटे वाले है ना ये वाले ये रहते थे ये मतलब करके ना ये कैसे का बनना, मैंने इधर भी एक बनाया था ये देखें ये ना करके ऐसा बनना है, अभी इसके ऊपर एक और लगेगा ये सही है नहीं ये बड़ा सही है ये, अभी इसके ऊपर एक ही छोटे वाला और लगेगा और फिर ये जो है ना ये इधर ऐसे सारे हैंग हो जाएंगे, हाँ चार इधर होंगे चार इधर होंगे चार उधर उधर होंगे, उसके बाद फिर एक एक जो है ना ये इस जगह पर हैंग होगा एक एक, और फिर एक एक जो है ना ये वाली जगह पर भी हैंग होगा इधर, और फिर एक जो है ना बड़ी वाली करके ना ये मतलब ये वाले छोटे वाले होगी 5-10 लगा के वो नीचे ये बड़े वाला एक लगा के ना वो फिर ये वो जो नीचे है ना सब एक वो भी एक साथ इसके साथ जो है ना पाएंगे करके जाएंगे। तो फिर मैं ये करने लगा था मैं मामू से पूछने गया था ये तो वो कहते हैं कि पुत्ता बस करो जितने हो गए ने इतना ही बड़ा है हमारे पास इतना ही टाइम है, अब जो है ना मैंने जाना है वो जिनका आपको बता रहा था ना टिकटॉक पर कल एक उनके पास चलते हैं उनसे साथ में अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो लेते हैं साथ में आपको मिलवाते हैं उनसे, फिर वापसी पर हम खाना वगैरह भी लेते आएंगे बल्कि वो तो फ्याज भी जाएंगे क्योंकि वो ना उधर जाना पड़ता है गोल चक्कर वाली साइड पर, तो वो ना आपके भाई का लाइसेंस नहीं बना होगा अभी तक तो फिर वो जो है ना कहते कि ना ही जाया करो तो वो फ्याज भी जाएंगे, और ये जाना हम कहते हैं कि बस हम उनको जिन्होंने जिन कस्टमर को देना है ना उनको बोलेंगे कि बस उतना ही, वो भी ज़्यादा मुश्किल काम है जो टेक्निकल था कि किस तरह लगना है वो उनको पता नहीं था चलना, वो हमने लगा दिया है बाकी ये तो पता ही है कि ऐसे ऐसे इनको बनाना है तो वो अब खुद ही बना लेंगे। अभी ये जो है इसको डालते हैं वापस प्लास्टिक के अंदर और हम जो है ना निकलते हैं आगे जी। तो भाई साहब अभी जाना है हेलमेट वगैरह पहन के सारा कुछ रेडी शेडी हो गया आपका भाई जो है ना आ चुका है भाई गर्मी बहुत शदीद है यार, तो अभी जाना मेरे पहुँच चुके हैं भाई साहब के पास अभी अंदर चलते हैं फिर आप लोगों को जाके ना मैं पूछूंगा उनसे अगर तो मतलब उनके पास लोग ना बैठे हुए और उन्होंने परमिशन दे दी वीडियो में आने की तो दिखा दूंगा आपको, नहीं तो फिर उनकी आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा खुद ही देख लेना। तो ये जो हम भाई साहब के पास पहुंच चुके हैं ये है हमारे हाजी नूर अहमद भट्टी साहब टिकटॉक पर इनकी आईडी है जी लीडर मिस्टर मोटू जी है सर भाई साहब के भाई साहब भाई साहब कितने फॉलोअर हो गए ना 2,26,000 अपलोड करते हैं टिकटॉक पर गाइस आप लोग चेक करना मैं कहता हूँ चैसा आ जाएगी आप लोगों को, तो अभी चलते हैं यार अभी दुकान पे जाते हैं फिर मैं उधर पहुंचूंगा तो फ्याज भाई को बोलेंगे वो रोटी ले आए और रोटी लेके आते हैं और फिर खाना खाते हैं, भूख बड़ी लग रही है और यार गर्मी ये की बात बार बार बोली जा रहा हूँ लेकिन यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलते हैं जल्दी जल्दी बस अभी जाना खाना आ चुका पाएंगे बैठ गया रोटी खाने की दुकान सर दिया ना ये तो बस अभी जो है ना ये पाइप जो है ना बहुत नीचे फंसा हुआ था
दो बंदे जो है ना, पहले ख्याल भाई पूरा गए हैं, पूरा पसीने से भीग के नीचे उतर आया इन्होंने, इतना जोर लगा लगा कि वो जो है ना चार पाइप निकाल दिया उन्होंने, बाहर निकाल लिए ना, ये पांचवा एक रह गया सिर्फ, और ये पड़ा भी एक ही हुआ ऊपर पे पड़ा नहीं हुआ, ये देख ले ना सब पाइपों के नीचे घुसा पड़ा है उसको, देखा बड़ा करके आ रहा है बड़ा बंदे, डर लगा कि इनसे निकला मेरी बारी ना, मैंने लेकिन बाकी सारा मान सामान निकाल दिया, बस यही रह गया, और रमजान भाई ने निकाल लिया बस। रमजान भाई निकल गया पाजी, पाजी निकल गया पाजी, रमजान भाई तुसी उत्ते गए यार, तुसी पैप नहीं कढ़िया इधर, भाई साहब यार देखो इन्होंने किधर मुझे कैच कर दी, ये चेक करो भाई साहब मैं पापों की दुनिया में आ गया, ये जो है ना देखो मुझे इन्होंने किधर बंद कर दिया बंदर की तरह, ये जो नीचे खड़े हो गए आप दिखा रहे थे ना आगे का पाइप नहीं निकल रहा, मुझे उन पाइपों को ऊपर चढ़ा दिए, आए अभी जो है ना मैं बस ये जो दो स्क्रू लगे हुए हैं ना इनके ऊपर खड़ा हुआ हूँ सिर्फ, है पैप भी गलत निकला है, इतनी मेहनत करके निकाला है और वो गलत निकला है, जो नहीं निकालना था वो निकला है। ओ मेनू कड्डा ओ जती दसो की करना है यार, मुझे तो फसा के खुद देखो तो नीचे क्या कर रहे हैं यार, राज भाई हां जी जती दसो यार इतनी गर्मी है, बाहर आ जा बाहर आ जा मैं फिर नहीं आना ऊपर, चलो बाहर आ जा, चलो ठीक है, ये देखे यार नीचे मैच क्या करे किधर फंसा होगा, जूते के अंदर पसीना आया बस, शुक्र है भाई साहब बच गए, जूते के अंदर जो है ना पसीना आया हुआ था उसके अंदर पांव स्लिप हो गया, शुक्र है भाजी अगे से बच गए अपने, ये तो भाई साहब अभी जाना सारा सामान वगैरह अंदर रख दिया, बंद छुट्टी अभी क्या साहब गाड़ी चल लगाओ मैं चल गुंडा वगैरह लगा दिया, तो अभी क्या ना गाइस छुट्टी का टाइम हो गया, तो यही थी हमारी गाइस डेली की रूटीन ना, बस ऐसे ही मैंने कहा कि आप लोग शेयर कर देते हैं क्या क्या कुछ करता हूँ मैं, करता तो क्या वेला ही रहता है सारा दिन, लेकिन बस ऐसे ही है मतलब, कभी बंद करते हैं दुकान वगैरह चलते हैं घर पे आके नहाते हैं, गर्मी में यार मैं कहता हूँ तो मैंने किया पड़ा अल्लाह खैर करे बस, तो मैं भी मिलूंगा कल नहीं नेक्स्ट व्लॉग में, मैं भी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।